अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? तो जी गाइज़, जैसे मैंने कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ट्रैवल कर रही थी पाकिस्तान। तो जी गाइज़, उसका मेन रीज़न था मेरी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड आई वॉज मिसिंग आउट माई लेक्चर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी जा रही है, बस आप लोगों की दुआ है, ठीक है। तो जी गाइज़, आपकी ये वाली ब्लॉगर बहुत बिजी हो गई है, टाइम ही नहीं मिलता कि आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाया जाए। तो जी गाइज़, यहाँ पर मुझे मिला था वीकेंड और मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए एक ब्लॉग ही बनाया जाए। तो जी गाइज़, बाय द वे मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लोगों से मिलने और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके थे। तो जी गाइज़, यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी बातें हुई, खाना खाया आप देख सकते हैं, और उसके बाद हमारे लिए स्पेशल आइसक्रीम भी लाई गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने मज़े की थी ये वाली आइसक्रीम। तो जी गाइज़, यहाँ खाना खाने के बाद और ढेर सारी बातें करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आया और इतना सारा घूमा, और उसके बाद हम निकलने वाले थे अपने घर वापस, आप देख सकते हैं हम लोग वापस जा रहे थे अपने घर। तो जी गाइस, यहाँ वापसी पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था बिकॉज यहाँ पे नवाज़ शरीफ वापस आ गया था, उसके लिए कोई जुलूस निकला हुआ था कुछ ऐसा। तो जी गाइस, यहाँ पर ना आपको कभी पाकिस्तान, कभी सऊदी अरेबिया और कभी दोनों के मिक्स लोग भी मिल सकते हैं, बिकॉज आपको पता है ना वो डिपेंड करता है। पर इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर मिलेगा, हर वीक के वीक मिलेगा। तो जी गाइस, आपको पता है ये वाला पार्ट किसने बनाया था? ये बनाया था मेरी मम्मी ने। आप लोग देख सकते हैं मॉल कितना बड़ा था, और यहाँ पर मम्मी बाबा और बाकी सब लोग घूमने गए थे, और ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। तो जी गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।